चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। तो कांग्रेस जेएमएम के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सुखदेव भगत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुखदेव भगत, मनोज यादव, भानु प्रताप शाही भी बीजेपी में शामिल। तो जेएमएम विधायक कुणाल शांडगी, चमरा लिंडा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जेपी भाई पटेल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस जेएमएम के लिए, तो सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो जेपी भाई पटेल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बता दें कि दो राज्यों के नतीजे आने से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस जेएमएम को। तो सीएम रघुवर दास ने इन तमाम लोगों को सदस्यता दिलाई है। तो चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस जेएमएम को बड़ा झटका जो है वो लगा है। कांग्रेस जेएमएम के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं और सुखदेव भगत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुखदेव भगत के साथ मनोज यादव, भानु प्रताप शाही भी बीजेपी में शामिल हुए। इन तमाम विधायकों को जो है रघुवर दास की तरफ से बीजेपी में शामिल किया गया है। तो जेपी भाई पटेल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और झारखंड चुनाव से पहले एक बड़ा झटका। हमारे देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता अब ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति को नकारते हैं और ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए दो पार्लियामेंट के चुनाव में देश की और झारखंड की करोड़ों जनता ने विकास के प्रति अपने जनादेश देने का काम किया और हम सब महसूस कर रहे हैं इस देश में विकास की राजनीति चले और राष्ट्रवाद की राजनीति चले।